मैं भोला पर्वत कार है तू रानी मैला की, तेरी मेरी पार पड़े ना बेशक लिखी पहला की। मैं भोला पर्वत कार है तू रानी मैला की। आज है डेट वो और अभी सुबह सुबह जा रहा है नहावा के मंदिर, तो गाड़ी पीछे पार्किंग में लगाती हैं और अभी निकल गए हैं मंदिर के लिए। यहाँ भी बनारस की तरह गली गली है, जैसे एक ही होगी अपना। यहाँ भी अच्छे अच्छे मतलब बहुत पुराना पुराना घर है, गली में है। अभी जाते वक्त दिखाता हूँ मैं आपको भी। तो वो रहा मेन रोड और वहाँ पे से 100 मीटर के आगे मंदिर है अपना। तो चलिए अभी, और चप्पल पर सब गाड़ी में खोल दिए हैं कि सब देख रहो खाली पैर यहाँ जाते हैं अपना। तो जाते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं, हम भी दर्शन करते हैं। तो वहाँ से मंदिर का एंट्रेंस स्टार्ट हो गया यहाँ से, और अब सीधा देखते हैं कितना दूर पे है। बट बना हुआ तो भाई काफ़ी खूबसूरत है, रात में और ज़्यादा खूबसूरत लगता है। मैंने रात को आया नहीं था, तो फिर कभी भी आएंगे, ऐसा थोड़ी है कि लास्ट हो गया, फिर कभी आएंगे रात में देखेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ पे लॉकर भी है, आपको फोन वोन सब यहाँ जमा करना होगा। वहाँ पे चप्पल, तो अगर आप चप्पल पहन के रहो तो वहाँ जमा कर दो, फोन वोन या जो भी है इलेक्ट्रॉनिक सामान वो आपको यहाँ जमा करना है। और ऐसे फिर मंदिर का रास्ता है, तो चलो अभी जमा कर देते हैं और इसके बाद मंदिर से निकलेंगे तो फिर आपको दिखाते हैं। हाँ जी, तो अभी रुको, मैं खाना वाना खाने के लिए, बज गया दोपहर के 3, ये होटल। और अभी जा रहे हैं बनारस ऑन द वे, तो वहाँ जाते हैं, वहाँ निहावा के फिर अपना आगे का जो भी सीन रहेगा ये करते हैं। तो अभी आ गए बनारस बाबा की नगरी, और वो खड़ी R1, तो डायरेक्ट टेबल। और अभी जा रहे हैं अपना उस पर मंदिर की तरफ, विश्वनाथ मंदिर, नहाते वहाते हैं, फिर उसके बाद अपना डेडी वेडी पैक होके और फिर देखते हैं आएगा सीन क्या होता है। तो अभी घाट पे आ गए हैं और एक जो बंदा अपने साथ में, उसका तबियत जो है कि ख़राब हो चुका है अभी फ़िलहाल, तो वो दवाई वाई खा के अभी आ रहा है रास्ते में। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी तो भाई इतना है कि मत पूछो आप। तो छोड़ो वो सब बातें, अभी मैंने कि अभी आया घाट पे और थोड़ा वेट कर रहे हैं उन लोग का आने का, और फिर साथ में नहाएंगे और उसके बाद फिर आरती वारती देख के 10-11 बजे तक यहाँ से रवाना हो जाएंगे घर के लिए। तो चलो आपको मैं टाइम से दिखाता हूँ सामने का। तो निहा वाली है, अब जाते हैं आरती देखने हैं। आरती का टाइम हो गया, आरती का शायद टाइम जो है वो 7 बजे से कुछ रहता है, मैं कंफर्म नहीं हूँ। तो अभी जाते हैं और जाके देखते हैं और फिर बैक टू होम जाएंगे, क्योंकि उसका तबीयत ठीक नहीं है। तो निकलते हैं, क्या करें, फिर कभी किया जाएगा। Thank you.
हाँ जी, तो अभी रात के बज गए 11 और हम लोग बनारस निकल चुके हैं। अभी 50 किलोमीटर आए हैं, तो अभी ढाबा वाबा खाना वाना खा लेंगे। यहाँ पे देख रहे हो क्या कितनी मतलब बड़ी बड़ी ट्रक रख के हैं, और सबसे ज़्यादा जो है ना वो ये ढाबा काफ़ी चौड़ा भी है, समझो वहाँ पर रोड है, एकदम वहाँ पर रोड है, वो ट्रक खड़ा वहाँ पर रोड है। ठीक है, वहाँ से देखो मतलब बहुत ज़्यादा ही स्पेस है इनके पास। और मैं कभी भी इस रूट पर जाता हूँ या आता हूँ तो मैं यहीं पर रुकता हूँ, क्योंकि टेस्ट भी सही है और प्राइसिंग भी सही है। और मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे पड़ता है, मैं कैसे बताऊँ, यहाँ पे अच्छा सा टर्निंग है, तो टर्निंग पे आपको दिख जाएगा पंजाबी ढाबा करके। तो ये सीन है अभी फ़िलहाल का, और देखते हैं सुबह तक कहाँ पहुँचते हैं। घर पहुँच गए तो सही है, अगर नहीं हुआ तो 2 घंटे का रेस्ट करके और सासाराम भी घूम लेंगे, देखेंगे। तो अगर हुआ तो इस वीडियो में ऐड करूँगा, घर तक का अगर हुआ तो मैं इसी में ख़त्म कर दूँगा, अगर सासाराम घूमा तो देखेंगे वो भी एक अलग डाल दूँगा, इसी में ऐड कर दूँगा। ढाबा का ये नाम है जी, ठीक है पढ़ लेना, एकदम वहाँ से दिखता है ये वाला। तो अभी तेल वेल भरा लिए हैं 1000 का अभी, और यहाँ से 200 किलोमीटर समथिंग कुछ और है, टाइम हो गया ऑलमोस्ट 12:30। तो चलो चलता है, रेंज दिखा दिया 260 का, देखते हैं। रुक नहीं यार, बताया ना। जी तो रुके हुए थे चाय ब्रेक के लिए, बज गया सुबह के 4, और इसके पहले सो गए थे 2 घंटे के लिए, क्योंकि भाई सोना भी ज़रूरी है। तो अभी ज़्यादा नहीं बचा है, 120-130 होगा अपना घर, वही 3-4 घंटे का। तो चाय ब्रेक ले लिया ऑलरेडी, और टायर वायर चेक कर लेते हैं और फिर देन निकलते हैं, और आपको डायरेक्ट मिलेंगे घर पे ही सीधा। ठीक है, बीच में कुछ हुआ दिखाने के लिए दिखाऊंगा, नहीं तो सीधे डायरेक्ट घर पे मिलता हूँ। रोड से हम पहली बार इतनी गिर गया।